नाज़रीन, पाकिस्तान के ऐवानों में एक मरतबा फिर NRO की गूंज सुनाई देने लगी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि ये NRO मांग रहे हैं मगर इन्हें NRO नहीं मिलेगा। तरीके इंसाफ ऐसी मुश्किल में फंसी है कि जिससे निकलने का कोई रास्ता मिलता दिखाई नहीं देता। बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक जानब पार्टी के अंदर के धड़ों को मुतहद करने की जंग से निबर्द आजमा है तो दूसरी जानब खुद को जेल से निकालने के लिए कभी हुकूमत से मुज़ाकरात की बात करते हैं तो कभी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश में बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसे को मुलतवी करके खुशी और इत्मीनान का इजहार किया था कि गोया उसने एम्पायर की इमा पर ऐसी बॉल करवाई है कि पिच पर मौजूद खिलाड़ी को आउट होने में ज़रा देर नहीं लगेगी। मगर बाद में मालूम हुआ कि उनकी ये बॉल ज़ाया चली गई और शायद 9 बॉल भी करार दे दी गई है। लिहाजा उन्होंने अपनी इस सियासी गलती पर पछतावे का इकरार भी करते हुए एक मरतबा फिर बाउंसर मारने की कोशिश में अपने रूपोश अरकान को बाहर निकलने और गिरफ्तारियाँ देने की हिदायत कर दी। मगर इस बॉल पर भी उन्हें जल्द एहसास हुआ कि बाउंसर शायद सीधा बाउंड्री से बाहर जाएगा क्योंकि पिच पर मौजूद बल्लेबाज खासा तगड़ा है और उसका कोच भी माहिर है। लिहाजा बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान ने यूटर्न लेते हुए रूपोश अरकान को अपनी जगहों पर मौजूद रहने की हिदायत कर दी। बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की टू बी और नॉट टू बी की इस कैफियत ने हुकूमत को मजबूत पोजिशन पर ला खड़ा किया है, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में धड़ेबंदी, ओहदों की बंदरबांट और मिनिस्ट्रीज़ की तकसीम और करप्शन के इल्ज़ामात ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया है। PTI में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर भी दरार पड़ती और ओहदों की लड़ाई को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं से पार्टी पर कब्जा करने और बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को माइनस करने बल्कि उन्हें जेल से ही बाहर ना निकालने की बातें इस कदर ज़ोरों शोर से होने लगी हैं कि बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बहन अलीमा खान को मीडिया के सामने आकर वजाहत देना पड़ी कि उन्हें सियासत में नहीं आना और ना ही कोई ओहदा लेना है, लिहाजा मेरी सरगर्मियों से मुतालिक कोई परेशान ना हो। अलीमा खान के बयानात और खैबर पख्तूनख्वा में उनके दौरे के बाद से अब 8 सितंबर को होने वाले जलसे से मुतालिक भी अभाम पाया जा रहा है कि शायद वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर अगर जलसा हुआ भी तो लोग इस कदर कम तादाद में शिरकत करेंगे कि इससे ना तो हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही PTI कारकुनान का टूटा हुआ हौसला फिर से बहाल हो पाएगा। बज़ाहिर महसूस होता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आने और मुज़ाकरात में किसी किस्म की पेशरफ से मायूस हो चुके हैं क्योंकि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद से जैसे उन्होंने अपने खिलाफ उन्हें गवाह बनाकर पेश करने का दावा किया और मिलिट्री कोर्ट में अपने केस चलने की पेशगोई की तो महसूस होता है कि बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान तन्हा हो चुके हैं और अपनी पार्टी ओहदेदारों से भी मुतमईन नहीं, क्योंकि जब भी इमरान खान ने क़यादत को कोई तहरीक चलाने, जलसा करने या भूख हड़ताल समेत कोई भी एक्टिविटी करने का कहा उसमें कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। अब बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऐवान में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पार्टी को हिदायत दे चुके हैं जिसके लिए PTI क़यादत मौलाना फजल रहमान के पास डेरे डाल चुकी है। यानी अब मुल्की सियासत एक ऐसे मोड़ पर है जहां इत्तेहादी भी सांझे हैं और मुखालिफीन से भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। अगर JUIFA के मौलाना फजल रहमान को ही ले लें तो उनकी डिमांड हुकूमत और अपोजिशन दोनों में उरूज पर है। PTI हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए मौलाना को अपने साथ मिलाना चाहती है और उसके लिए JUIFA को सेनेट में 1 या 2 सीट्स देने पर भी गौर कर रही है, जबकि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत का सफ़र तय करना और कानून साजी करने के लिए JUIFA की ज़रूरत है, जिसके लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की बल्कि उन्हें बंदूक का एक खूबसूरत तोहफा भी दिया। मगर यहाँ सवाल ये है कि मौलाना साहब निशाना बांधने के लिए किसका कंधा इस्तेमाल करते हैं और उनकी शिस्त पर कौन होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस बात के दावेदार हैं कि मौलाना साहब उनके साथ हैं। मुस्लिम लीग नून जहां मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाना चाह रही है वहीं इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी उसकी नोक झोंक जारी है। पंजाब की सतह पर नून लीग की जानब से दिया जाने वाला बिजली में रिलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक आंख नहीं भाया। पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तनकीद की और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तनकीद करते नज़र आते हैं। बिलावल भुट्टो के इस बयान पर मुस्लिम लीग नून रद्द अमल तो दे रही है मगर किसी महाज को जन्म देने से कतराते हुए उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत दे रही है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को वजारतों में शामिल होने के लिए राजी करती फिर रही है, जबकि कई सियासतदान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये दावा दिखाई देते हैं कि हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है।
सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और NRO की गूंज क्या मुल्क को बहरान से निकालेगी या फिर किसी नए बहरान से दो चार करेगी। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त के जब पाकिस्तान भर में महंगाई, बिजली के बिल, बेरोजगारी और टैक्सेस के खिलाफ शटर डाउन, हड़ताल और एहतजाज की गहमा गहमी उरूज पर है, ऐन उसी लम्हे मोड़ीज की जानिब से पाकिस्तानी मईशत को एक दर्जे बेहतर करार दे दिया गया, मगर इस मुआशी बेहतरी को IMF के 7 अरब डॉलर्स मुआहदे के साथ भी नथी किया गया। ताहम IMF का 7 अरब डॉलर्स का मुआहदा पेशगी शराइत की बिना पर मुबैना तौर पर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। वजारत खजाना की जानिब से तवक्को जाहिर की जा रही थी कि आइंदा माह में IMF का कर्ज प्रोग्राम हासिल कर लिया जाएगा, मगर इस वक्त तक IMF की जानिब से 7 सितंबर तक का जो स्केड्यूल जारी हुआ है उसमें पाकिस्तान एजेंडे की लिस्ट में शामिल नहीं है। IMF की शराइत में पाकिस्तान के लिए 12 अरब डॉलर्स का कर्ज रोल ओवर कराने की शर्त भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान को अब तक मुबैना तौर पर कामयाबी मिलती दिखाई नहीं देती। ताहम हुकाम कर्ज रोल ओवर कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब जहां IMF का कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखता है, वहीं पाकिस्तानी अवाम के लिए भी रिलीफ जो है वो ऑक्सीजन की हैसियत रखता है, मगर हुकूमत के टैक्सेस से मुतालिक इकदामात और बिजली के बिलों के मामलात को देखकर महसूस होता है कि हुकूमत अवाम को ऑक्सीजन फराहम करने की बजाय उनकी सांसें तंग करने पर तुली हुई है। क्योंकि NTDC हुकाम की जानिब से पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अवाम 13 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि उन्हें कैपेसिटी चार्जेस 40,000 मेगावाट के देने पड़ते हैं। जबकि सोने पे सुहागा ये है कि अगर किसी शख्स ने 2,000 रुपये की बिजली इस्तेमाल की है तो हुकूमत उससे 4,000 रुपये के टैक्सेस वसूल कर लेती है, और मुज़ाक़ा खेज़ बात यह है कि बिजली के इस्तेमाल पर सेल्स टैक्स फीस भी हुकूमत अवाम ही से वसूल करती है, जबकि अवाम बिजली बेच नहीं रही बल्कि ख़रीद रहे। हुकूमत इतने ज़्यादा टैक्सेस और भारी बिल वसूल करने के बावजूद गरीब है और अवाम का भी तेल निकल रहा है, तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि बिजली के ये बिल और भारी टैक्सेस जा कहाँ रहे हैं। तो एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ यानी IPPs वो जोंके हैं जो हुकूमत और अवाम दोनों को चिमटी हुई हैं और उनका खून चूस रही हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों में IPPs ने अरबों रुपये अवाम की जेब से निकाले हैं, और हैरत की बात ये भी है कि IPPs के साथ किए गए हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनसे आसानी से जान छुड़वाई नहीं जा सकती, लिहाजा अब गवर्नमेंट के पास मुल्की मईशत बचाने का वाहिद हल प्राइवेटाइजेशन बचा था, और हुकूमत ने फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई जो ये बताएगी कि हुकूमत के कौन से इदारे खसारे में हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जा सकता है। कमेटी बन गई, कमेटी की रिपोर्ट भी मंजरेआम पर आ गई, मगर असल नतीजा ये निकला कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, यानी खसारे का शिकार इदारे प्राइवेटाइज तो हुकूमत ना कर सकी मगर जो कमेटी बनाई गई थी उन्हें 2 अरब रुपए की अदायगी हुकूमत को ही करना पड़ेगी। यूं वेंटिलेटर पर पड़ी मुल्की मईशत कि जिससे 2 अरब ऑक्सीजन का मजीद जख़ीरा भी निकल गया, और अब कर्ज लेने या फिर रोल ओवर कराने पर मुल्की मईशत की गाड़ी हिचकोले खाती नज़र आ रही है। अब ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि किफ़ायत शारी की मुहिम चलाई जाती, वज़रा और मशीरों की फौज ज़फ़र मौज कम की जाती, महंगे टेंडर ख़त्म किए जाते, ऐवानों और रिहायशी महलात की तज़ीनो आराइश पर पाबंदी आयद कर दी जाती, इजलासों और मीटिंग्स और कमेटियों की हाजिरी पर दी जाने वाली मुराद और अखराजात पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती। मगर हुआ इससे बिल्कुल बरक्स, हुक्मरानों के मुलाजिमों को इजाफी तनख्वाह दी जा रही है, सदाती महलात और बागीचों की तज़ीनो आराइश की जा रही है, और अफसर शाही के बाबुओं के लिए नए लग्जरी घर और गाड़ियाँ अरबों रुपये खर्च करके ख़रीदी जा रही हैं। अब सवाल ये है कि IMF या फिर दोस्त ममालिक की जानिब से भेजा जाने वाला कशकोल कब तक हम अपने गले में लटकाकर यूं ही फिरते रहेंगे। महंगी बिजली और तवानाई के बहरान और बेजा टैक्सेस की भरमार, बंद होती इंडस्ट्री की बहाली और बैरूनी सरमायाकारी के लिए किए जाने वाले इकदामात नाकाम होने के असबाब का हल कब और कैसे निकाला जाएगा, और सबसे बढ़कर ये कि ये मुल्की मईशत की बेहतरी में कोई चांस भी है या फिर मईशत के वजूद को लगी बीमारी नाकाबले इलाज करार दी जाने के करीब पहुंच चुकी। गुज़श्ता इतवार की शब बलूचिस्तान में खून की होली खेली गई, उस पर हर आंख अशकबार है। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत 60 सिविलियन लोगों का कत्ल और खातून खुदकुश बम्बार का इस्तेमाल करके BLA ने बलूचिस्तान के 10 अजला में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल कर ली है।
बीएलए की तरफ से ऑपरेशन हेरोफ 26 अगस्त को किया गया और उसका सोशल मीडिया पर चर्चा रहा। इंडियन लोगों की तरफ से भी ट्रेंड चलाया गया। आबादी के लिहाज से कम और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान तकरीब कारों का मस्कन बन चुका है और बीएलए सी पैक को निशाना बना रही है। 1970 से अब 2024 तक बीएलए ने मुतादिद बार बगावत की हद तक दहशतगर्दी का सहारा लिया और उसके लिए भारत समेत कई पाकिस्तान दुश्मन कुवतों से मदद ली, जिसका वाज़े सबूत कुलभूषण यादव और गुलजार शंबे की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। बलूचिस्तान से दो निगरान और एक मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की तमाम नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बलोच तालिबे इल्म कोटे की बुनियाद पर स्कॉलरशिप्स पर तालीम हासिल करते हैं और बलूचिस्तान के बलोच अफसरान मुल्क भर में आला ओहदों पर बराजमान हैं, यानी किसी भी सतह पर बलोच या बलूचिस्तान के अवाम को महरूमी का शिकार नहीं होने दिया गया। मगर इस सब के बावजूद कुछ नाराज़ या शरपसंद बलोच रहनुमा महरूमियों और मिसिंग पर्सन्स का बहाना बनाकर मासूम और निहत्ते शहरियों का गला काटते नजर आते हैं। हालांकि कई बार ये बात सामने आ चुकी है कि जो लोग मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल होते हैं वो या तो बीएलए की तरफ से खुदकुश बमबार बनकर सामने आते हैं या फिर अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मसरूफ होते हैं। मिसिंग पर्सन्स गो के एक संजीदा इशू है और ऐसे तमाम अफराद जो अगवा किए जा चुके हैं या फिर किसी की हिरासत में मौजूद हैं उन्हें अपने प्यारों के पास जाना चाहिए। मगर सवाल ये है कि इस इशू का हल क्या यही है कि हथियार उठाकर रियासत के खिलाफ बगावत कर दी जाए और अपने ही सराइकी पंजाबी पश्तून सिंधी भाइयों की गर्दनें काट दी जाएं। 1970 में पहाड़ों पर जाने के बाद से अब तक बीएलए समेत कई कालादम तंजीमों ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के साथ साथ चीनी इंजीनियर्स असातिज़ा और पंजाब के मजदूरों हजाम और कारोबारी अफराद का कत्लेआम भी किया। कालादम तंजीमें अगर ये सब महरूमियाँ या मिसिंग पर्सन्स को बहाना बनाकर कर रही हैं तो बलूचिस्तान की तरफ से 20 MNAs और 64 MPAs और 23 सेनेटर्स अपने अपने ऐवानों में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। बलूचिस्तान के अवाम अगर मिसिंग पर्सन्स या फिर महरूमियों को इशू समझते हैं तो अपने सरदारों और वडेरों के घरों के बाहर धरना क्यों नहीं देते और उनका एहतसाब क्यों नहीं करते कि जब वो उनके नुमाइंदे बनकर असेंबली में मौजूद हैं तो ऐसी कानून साजी क्यों नहीं की जाती कि मिसिंग पर्सन्स का इशू हल हो जाए। किसी बलोच तंजीम या कालादम तहरीक की जानब से कभी किसी बलूचिस्तान के सरदार वडेरे MNA MPA या फिर सेनेटर के गिर्द शिकंजा नहीं कसा गया, बल्कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और पंजाब या दूसरे सूबों के आम अफराद का कत्ल किया जाता है। कभी BLA जैसी कालादम तंजीम की तरफ से ऐसे मुतालबात तो सामने नहीं आए कि बलूचिस्तान में स्कूल बनाए जाए, यहाँ सी पैक की जो मोटरवेज़ हैं जो मुलहिक सड़कें हैं उनका जाल बिछाया जाए, अवाम को रोज़गार के लिए इंडस्ट्री लगाई जाए और आला तालीमी इदारे बनाए जाएँ, बल्कि BLA की जानिब से मिसिंग पर्सन्स के मुतनाज़े इशू को लेकर तखरीबकारी ही की जाती है, जिससे साबित होता है कि ये महरूमियों या मिसिंग पर्सन्स का इशू नहीं है बल्कि दुश्मन मुल्क का वतन अजीज़ में दहशतगर्दी का एजेंडा है जिसकी जिम्मेदारी BLA ने उठाई हुई है और आम लोगों को वरखला कर ज़बरदस्ती पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में घसीटता जा रहा है। अब सवाल यह है कि BLA दुश्मन मुल्क भारत के एजेंडे पर पूरी शदोमत के साथ अमल पैरा है और आम शहरियों के खून से खेल रही है, तो ऐसे में रियासत पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारे क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे? सोचना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।